इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की, और ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यह है कि मैं आप लोगों को अपने थॉट्स बचाना चाहता हूँ कि जो अभी जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या और बाबरी मस्जिद के बीच में जो विवाद चल रहा था बहुत टाइम से, 1950 से जब ये पिटेंशन डाली गई थी तब से ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया था तब से लेकर अब तक जो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था हमारे देश में, तो उसके ऊपर जो वर्डिक्ट दिया गया क्या वो सही था क्या वो गलत था, इन चीज़ों को लेकर अपने थॉट्स बताना चाहता हूँ। तो ये जो वर्डिक्ट आया जो सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जो बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो आज तक का जो वोट बैंकिंग भी होती थी, आज वोट बैंकिंग होती आ रही थी, जो बहुत सारी पॉलिटिक्स पार्टी जो वोट बैंकिंग कर रही थी इसके पीछे, आज वो समाप्त कर दिया गया। इतनी बड़ी चीज़ बहुत अच्छे ढंग से जो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस जो हैं उनके द्वारा ये अच्छे से बहुत शानदार तरीके से जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है, यानी कि उन्होंने दोनों ही पक्षों को, चाहे हिंदू वर्ग हो चाहे मुस्लिम वर्ग हो, उन दोनों को ही ये नहीं कहा कि कोई हारा कोई जीता, नहीं, ये जो जीत हुई वो सुप्रीम कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन की, जो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से दोनों ही पक्षों को उनकी मतलब अपने जमीन दी, उन्हें 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम वर्ग को दी और हिंदू वर्ग को मंदिर बनाने की जो अनुमति दी, यानी दोनों ही जो वर्ग हैं उन दोनों को ही अपनी अपनी बाबरी मस्जिद भी बनेगी और मंदिर भी बनेगा, तो दोनों को ही ये छूट दी गई है। अब क्या सही था क्या गलत था, देखो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत गलत चीज़ है, कुछ भी गलत नहीं है, बहुत शानदार वर्डिक्ट है। मतलब अब जो वो मुद्दे जो पहले उठते थे पुराने टाइम में कि भी हम ये करेंगे हम ये कर देंगे, तो जिसके ऊपर वोट बैंकिंग होती थी, आज वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो पॉलिटिक्स होगी जो वोट बैंकिंग होगी वो शायद अब उसका नज़रिया बदलेगा, अब वो नज़रिया बदलेगा ये कहकर कि हम अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, अब हम गरीबी मिटाने पर ध्यान देंगे, अब हम अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, जो इकोनॉमी जो डाउन हो रही है उसको अपवर्ड लेके जाएंगे, ये सब जो तमाम मुद्दे होंगे वो शायद आने वाले टाइम में हमें देखने को मिले, क्योंकि अब वो नहीं रहा टाइम कि अब हम कहें कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए मस्जिद बनना चाहिए, अब वो ख़त्म हो चुका है। और हम सबको भी क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए कि अब हम ये नहीं कि वो हिंदू वो मुस्लिम करके आपस में कोई बैर रखे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करता हुआ, कुछ एक बंदों को छोड़ दो जो इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो शायद इन दोनों वर्ग को बिठाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो मेरे साथ में अभी फ़िलहाल नहीं रहते हैं, जो यहाँ पर मेरे साथ में जो रूम था उसमें मुस्लिम सदस्य जो रहते थे वो मुझसे काफ़ी उम्र में तो बुजुर्ग थे, बड़े ही प्यार से मुझे बेटा कह के सुबह उठाते थे और पानी भरने के लिए कहते थे कि बेटा पानी आया हुआ है। तो देखा जाए तो यार कोई इसमें कोई वो है कि हम कहें कि हाँ मुस्लिम हिंदू ये ऐसा कुछ नहीं था यार, जो साथ में रहते हैं तो शायद कोई पूछता भी नहीं होगा यार कौन क्या है, सब अपने काम में बिजी होते हैं एक दूसरे का साथ देते हैं, तो अब वो टाइम नहीं है और हमें चाहिए कि अब हम वो ये जो सीमा जो काफी टाइम से जो कर रहे हैं काफी सारे जो कह सकते हैं कि जो प्रोपोगेंडा जो एक तरीके से जो फैला रहे हैं वो आज एक वक्त आ गया कि अब उसे हम खत्म करें यार। अब हम बात करें कि हमारे देश में हमें क्या चाहिए, हम बात करें कि हमें कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है उसको कैसे हटाएं, हमें हम बात करें कि जो बहुत सारे लोगों की जो जॉब चली गई ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो उनको कैसे रिवाइव करें, कैसे उनको वापस वो जॉब दिलाएं, ये हम बात करें कि जो वुमन है उनके उनको कैसे इंपावर करें, हम बात करें कि जो शिक्षा है वो उसको इंप्रूव कैसे करें, हमें बात करनी चाहिए जो पॉल्यूशन हो चुका है इतना ज़्यादा उसको कैसे कंट्रोल करें। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, उनके ऊपर आर्ग्यू करने के लिए, डिबेट करने के लिए। तो ये जो वर्डिक्ट है बहुत शानदार है। अब जो मुद्दा इतना बड़ा था, जो इतने लेवल पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल भी कह सकते हो कि जिनकी नजर थी, वो आज समाप्त हो गया है। अब शायद अब हमारा देश उन लोगों उस चीज़ के ऊपर ध्यान देगा जिसकी बहुत टाइम से इसको ज़रूरत थी। मुझे तो ये पहले भी नहीं लगता था कोई इतना ज़्यादा हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, फिर भी इसके ऊपर इतना ध्यान दिया गया, और भी चीज़ें थी जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। चलिए खैर आज वो टाइम आ चुका है कि अब हम ध्यान दें इन चीज़ों के ऊपर। तो ये वर्डिक्ट बहुत शानदार है, हमें हम बहुत
खुशी महसूस हुई जब ये वर्डिक्ट आया, जो दोनों ही पक्षों का ध्यान रखा गया, दोनों ही पक्षों के हितों का बड़ा ही ध्यान रखा गया। जो हमारे पांच जो जजेस हैं, कोई इतना आसान नहीं होता कि जब धर्म की बात आती है या फिर इन चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो उस चीज़ को कैसे वो उन्होंने संभाला है, वो काबिलियत तारीफ है। तो बस इतना ही था, हम सबको बस यही कहना चाहता हूँ कि मिलजुल के ही हमें रहना है यहाँ पे, हमारे इस देश में, हमारे प्यारे देश में, जो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सब एक दूसरे के यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के रिलीजन हमें देखने को, एक दूसरे का कल्चर हमें देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को हमें इंजॉय करना चाहिए। तो बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।